सतर्कता जागरूकता सप्ताह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संदेश में कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नागरिकों का सामूहिक कर्तव्य और जिम्मेदारी है। पारदर्शिता और अखंडता के आदर्श हमारी परंपरा और संस्कृति के अभिन्न अंग है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत हम सभी का दृष्टिकोण है। हम एक नए और विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे लिए आवश्यक है कि हम सत्यनिष्ठा और जवाबदेही के आदर्शों को दोहराएं और हम अपनी विकास यात्रा में मार्गदर्शन करने वाले मूल्यों को अपनाएं। मैं भ्रष्टाचार से लड़ने के प्रयासों के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग की सराहना करती हूं और सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 की सफलता के लिए शुभकामनाएं देती हूं। राष्ट्रपति का संदेश सतर्कता जागरूकता सप्ताह में। राष्ट्रपति ने कहा भ्रष्टाचार से लड़ने के प्रयासों के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग की सराहना उन्होंने की अपने संदेश में। साथ ही सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 की सफलता के लिए शुभकामनाएं भी दी। सतर्कता जागरूकता सप्ताह पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने संदेश में कहा कि लोक प्रशासन की कार्यप्रणाली की दक्षता के लिए पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही आवश्यक है। सार्वजनिक जीवन में सत्य निष्ठा सुनिश्चित करना भी देशवासियों की जिम्मेदारी है। इस वर्ष सतर्कता आयोग का निवारक सतर्कता उपायों पर 3 महीने का अभियान है। मैं सभी नागरिकों से भ्रष्टाचार के खिलाफ इस सामूहिक लड़ाई में हिस्सा लेने की आशा करता हूं। सतर्कता जागरूकता सप्ताह की सफलता के लिए शुभकामनाएं। सतर्कता जागरूकता सप्ताह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत विषय का चयन सराहनीय है। भ्रष्टाचार एक राष्ट्र के रूप में हमारी सामूहिकता की शक्ति को प्रभावित करता है। पिछले 8 वर्षों में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति रही है, जहां ये संदेश स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्थान को बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह देश में विश्वास का एक वातावरण उत्पन्न हुआ है, जिसमें हर ईमानदार व्यक्ति आज खुद पर गर्व महसूस करता है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए पूरी प्रक्रिया और व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जा रहा है। आजादी के अगले 25 वर्षों की यात्रा एक भव्य और विकसित भारत के निर्माण में हम सभी का कर्तव्य काल है। यह अवसर एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपने प्रयासों में तेजी लाने का है। मुझे विश्वास है कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन जीवन में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता को बढ़ावा देकर राष्ट्र निर्माण के लिए हमारे संकल्पों को मजबूती प्रदान करेगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग को आयोजन की सफलता और भविष्य के प्रयासों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री का संदेश सतर्कता जागरूकता सप्ताह के प्रति।